के सारे जन्म के आधार पर है, लेकिन हम कर्म से भी और जन्म से भी दोनों चीजों को नकारते हैं कि अगर जन्म से ही कोई सर्वश्रेष्ठ है ये भी नहीं होना चाहिए और कर्म से कोई सर्वश्रेष्ठ है ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में हम द्रोणाचार्य की बात करेंगे, गुरु कृपाचार्य की बात करेंगे, अश्वत्थामा की बात करेंगे, वो क्षत्रिय थे लेकिन उनकी पहचान तो उनकी जन्मजात ही ब्राह्मण से ही तो है। परशुराम जिसने क्षत्रियों पर 21 बार सर्वनाश किया इस धरती से, उसके अगर कर्म क्षत्रिय थे लेकिन नाम तो उसका परशुराम ब्राह्मणी है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है कि आपको कहां पर गुमराह किया जाता है, शास्त्रों में उलझाकर आपको गुमराह करके आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत के अंदर जितनी भी समस्या है उन समस्याओं को हल करने के लिए, क्योंकि समस्याएं हमारी हैं तो समाधान भी हमको ही करना है। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो हैं, वो उनको हमने पूजना नहीं है, ये हमारे भगवान नहीं है, ये हमारे देवता नहीं है, इनको हमने मानना नहीं है, इनको पढ़ना और समझना है। इनको हम पढ़ेंगे समझेंगे आपके अंदर की जितनी शंकाएं हैं सारी दूर हो जाए, क्योंकि पहले जानो और फिर मानो। अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हमें भी समझ नहीं थी 15 साल पहले, मुझे 15 साल हो गए इस कार्य, ये जो जिस संगठन के साथ में भी जुड़ा हूं, मैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जाता हूं। तो पहले जानो और फिर मानो। जब आप जानोगे आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप रेशनल बनोगे। दुनिया के अंदर इतनी किताबें हैं, इतना नॉलेज है कि जब आप पढ़ोगे आपके अंदर से डर, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार जैसी चीजों पे आपने विजय प्राप्त कर ली होगी। और जब आप खुद पढ़ोगे तब आप दूसरे को तर्क भी दे दोगे और आपके पास जवाब भी होगा। लोग उलझनों में फंसे क्योंकि लोगों को उम्मीद है, लोगों को डर है, इसीलिए वो किसी चीज की उम्मीद रखते और डर के ऊपर को विजय नहीं प्राप्त कर पाते। तो डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए इसलिए आदर्श बन सकते हैं ताकि अब इनकी किताबें 100-150 से ज्यादा हैं, अगर हम उनको पढ़ें और अपने जीवन में उतार लें, उसके बाद आप अपना रास्ता खुद ही तय कर सकते हैं कि आपने बुद्ध के विचारों पर चलना है, अपने महापुरुषों को जानना है, अपने महापुरुषों के विचारों पर चलना आप अपने लिए खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए समय लगेगा। हम आपको यहां पर एक सत्संग की तरह यह बात बताने वाले हैं कि बुद्धिज्म जो है वो भारत का ही कभी हिस्सा था, अभी भारत में उसका समझो कि ना होने के बराबर है। तो क्या कारण रहा, इसके लिए आपको इतिहास के परिपक्ष में जाना पड़ेगा कि मुसलमान आक्रमणकारी या विश्वामित्र शुंग जैसे राजा भारत में हुए जिन्होंने बुद्धिज्म को यहां से डिक्लाइन किया। और आपके लिए ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी महाकाव्य किताबें लिख दी जिनके चक्र में आत्मा परमात्मा मोक्ष की बातें, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, पशु बलि, इन चीजों में आपको उलझा दी। और ये सारी चीजें जो है वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। और मनुस्मृति यही कहती है कि हर वर्ण व्यवस्था वाले को अपनी अपनी जातियों अनुसार काम करना चाहिए, और मौजूदा सरकार भी यही कर रही है। इसलिए भारत के अंदर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकार ने खोल के रखी है। वो इसलिए खोली है कि धोबी, नाई, घाटी, सुमियार, तरखान, कुमार, लोहार जितने भी हैं, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, सब अपने जाति अनुसार काम करें, अपने बाप का काम देखें, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम हमारा है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मजिस्ट्रेट, गवर्नर हम लोग बनेंगे, आप अपना काम करो। इसलिए सरकार ने योजनाएं बना दी, आपको जो ITI की ट्रेनिंग कराई जा रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराई जा रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत के अंदर लागू है, 2030 तक हो सकता है स्कूल लगभग बंद। तो अच्छी विचारधारा वाले बंदे अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कहीं विधानसभा में पहुंच जाए तो वो अपने समाज की बात कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का आदमी होगा वो हमारा आदमी नहीं होगा, वो पार्टी का हो सकता है। इसलिए इस विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए हमको अपने पुरखों की विचारधारा में चलना होगा। हमने अपने बाप दादा या दादू के दादा हमने उनके अपना कर उनके बातों पर हम चलेंगे तो हम कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकते। तो अब ये उन लोगों के लिए हमने काम करना है जिनको अभी भी एजुकेशन और रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, इसलिए जो बचे और सस्टेनेबल रहे। इसलिए इसमें SC ST OBC और रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटी भी आते हैं, जिसको जिस किसी कारण ने कभी धार्मिक उन्होंने अपना रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया, वो भी हमारे ही भाई भतीजे, हमारे ही साथ, हमने उनको सबको साथ लेके चलना है। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है
कि जो लोग छूट गए हैं, जिन लोगों को अभी कोई फायदा नहीं मिले, ताकि हम अपनी बात रखें, हमारे अपने लोगों को आगे करें, लीडरशिप की क्वालिटी हो, ताकि वो ज्यादा ज्यादा इस कार्यक्रम में आए। और जो हमारे साथ ही भाई भतीजे तरह तरह के ताते चले हैं, मौजूदा सरकार अच्छी है, बराबरी हो गई है, ताकि हमें सच का पता लगे कि बराबरी कहाँ पर है। तो इस बराबरी को दूर करने के लिए हमारी लड़ाई हमेशा यही है कि हम समानता और न्याय बना के रखें। और बुद्धिज्म की एक बात है, बुद्ध का विचार जो है, जिसको अच्छा लगता है वो अपना सकता है, ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म है, एक प्रिंसिपल है जीने की राह है। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को सारे से खारिज किया, उन्होंने कहा कि भगवान नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है, और जिसकी जो चीजें दुनिया में है नहीं, हमें उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको किताबें पढ़ने पड़ेगी, बुद्ध का लिटरेचर पढ़ो, उनका टीचिंग पढ़ेगा, तभी जाकर आपको पता लगेगा। इसलिए उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, न्याय, दया, सत्य, अहिंसा, समानता और न्याय की बात की। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी कर्म कांड पे नहीं भरोसा नहीं करना है, और जो चीज में है नहीं उसको नहीं मानना है। ये साइंटिफिक बातें हैं, ये प्रूव हो गई है। इसलिए हमने इनके विचारों पे चलकर हम आगे कामयाब हो सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देकर बेहतर नागरिक बना सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों में हमें बड़ी बड़ी कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा समाज और देश तकलीफ में खड़ा है। और जिस वजह से अगर हम संविधान को मानेंगे और संविधान के कहने पर चलेंगे, तो हमें कोई भी तकलीफ आएंगे, और संविधान ही हमारा धर्म है, संविधान ही हमारा कर्म, संविधान ही हमारी पूजा होनी चाहिए, इसी को लेकर आगे चलेंगे। इसलिए हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे आज रखा, ताकि आप लोगों को जानकारी हो। हमारे पास बहुत बड़ी बुक्स भी है, लिटरेचर भी है, लेकिन आप लोग ज्यादा ज्यादा इसमें जुड़े। हमारे फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं, ट्विटर चल रहे हैं, और यूट्यूब के चैनल हैं, फिर यहाँ फेसबुक पे भी, हमारे व्हाट्सएप पर भी ग्रुप है। चलो दो मिनट मौका देना, दो ही मिनट लूंगा। एक शायद बोलना हो, आप खुला बात कर सकते हैं। जहाँ आपको समझ आए उसको मानो, जो नहीं समझ आता है वो आपने नहीं मानना है। क्योंकि पहले ज्ञान की प्राप्ति आपको खुद आप सेटिस्फाई होने चाहिए, जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि समाज में परिवर्तन लाना और अपने आप का हृदय परिवर्तन करना कोई मामूली बात नहीं है। जब आप खुद ही परिवर्तन करेंगे, तभी जाकर समाज बदलेगा। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप, मैंने आपका ज्यादा समय लिया, धन्यवाद।